नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैक्ड फूड्स के बारे में। इंडिया वर्सेस फॉरेन, विच इज द बेस्ट। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में पैक्ड फूड हम सबकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। चाहे वो रेडी टू ईट मील्स हो, इंस्टेंट नूडल्स हो या फिर पैकेज्ड स्नैक्स, हम सब इन्हें रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में जो पैक्ड फूड मिलता है वो फॉरेन कंट्रीज के पैक्ड फूड से कितना डिफरेंट होता है? चलिए आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं। इंडिया में पैक्ड फूड में ज्यादातर लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। स्पाइसेस और फ्लेवर्स भी इंडियन टेस्ट बड्स के हिसाब से टेलर मेड होते हैं, लेकिन कई बार क्वालिटी कंट्रोल उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना होना चाहिए। इससे फूड सेफ्टी और हाइजीन इश्यू हो सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस में जैसे यूएसए, यूरोप, एफडीए और ईएफएसए बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। इंडियन पैक्ड फूड में कई बार ज्यादा ऑयल, शुगर, सॉल्ट होता है। ये टेस्ट एनहांस करने के लिए ऐड किया जाता है। इससे हेल्थ इश्यूज जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। फॉरेन पैक्ड फूड में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन क्लियरली लेबल्ड होती है। इंडिया में पाम ऑयल बहुत यूज होता है क्योंकि ये सस्ता और वर्सटाइल है। ये ऑयल कुकिंग, फ्राइंग, प्रोसेस्ड फूड्स, सोप्स और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। हाई स्मोक पॉइंट और लॉन्ग शेल्फ लाइफ के कारण ये डीप फ्राइंग और मास प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है, बट हेल्थ के लिए इम्परफेक्ट है। पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स हाई होते हैं। पाम ऑयल प्रोडक्शन से एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होता है। फॉरेस्ट को कट करके पाम प्लांटेशन बनाई जाती है, जो डिफॉरेस्टेशन और बायोडायवर्सिटी लॉस का कारण बनता है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसी फॉरेन कंट्रीज में सनफ्लावर ऑयल पॉपुलर है। ये ऑयल लाइट टेस्ट और हेल्दी प्रोफाइल के लिए जाना जाता है। सनफ्लावर ऑयल में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं, जो हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। सनफ्लावर ऑयल का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पाम ऑयल से कम होता है। हर ऑयल का बैलेंस्ड और लिमिटेड यूज ही हेल्थ के लिए सेफ है। इंडिया में पाम ऑयल कॉस्ट इफेक्टिव और वर्सटाइल होने के कारण पॉपुलर है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में सनफ्लावर ऑयल हेल्दी प्रोफाइल और लाइट टेस्ट के लिए प्रेफर किया जाता है। हेल्थ और एनवायरमेंट इंपैक्ट्स को समझते हुए दोनों ऑयल्स का मॉडरेट यूज ही सही है। अगर आप पैक्ड फूड्स खरीद रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर चेक करें। लेबल पड़ेगा इंडिया, तभी तो हेल्दी रहेगा इंडिया। लेवल सबके